Catch it, catch it. Oh, missed it. Come on, guys. Sam, उठो बच्चे, कब से उठा रही हूँ? मैच है, आज जाना नहीं क्या? उठो जल्दी. Oh, this is just a dream. Today is my important match and I'm super late. I'm leaving, mama. एक तो सुबह जल्दी उठना नहीं, उसके बाद हर काम में जल्दीबाजी. सैम बच्चे, एक ग्लास दूध तो पी के चले जाओ. नहीं मम्मा, बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑलरेडी लेट हो चुका. आज तो कुछ सर से पक्का डांट पड़ेगी. डांट तो पड़नी चाहिए, हाँ, तब पता चलेगी समय की कीमत. गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी सर, आई गॉट लेट. व्हाट इज दिस इंडिसिप्लिन सैम? तुम्हें पता था कि मैच 8 o'clock स्टार्ट होने वाला है एंड यू आर 20 minutes लेट. आज का मैच तुम बाहर बैठ के देखोगे, जिसे तुम्हें सबक मिले कि नेक्स्ट टाइम 5 minutes पहले आना है. जाओ अभी बाहर जाओ. हाँ बढ़िया बढ़िया, आज तो मुझे खेलना ही था. ओ आउट, कम ऑन गाइस. इतना इम्पोर्टेंट मैच था लेकिन मैं सोता ही रह गया. Hey Sam, how are you? I'm okay. क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो? आज मेरा स्पेशल मैच था लेकिन मैं 20 minutes लेट हो गया. और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कोच सर ने मुझे बाहर भेज दिया. अगली बार से मैं 10 minutes पहले ही पहुंच जाऊंगा. आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. आज मॉर्निंग में मेरी मैथ की ट्यूशन थी, सर ने ज्योमेट्री सिखाई थी, मुझे तो वो आती भी नहीं थी. आई मिस्ड इट. हाँ, सर की क्लास तो रिपीट नहीं हो सकती, बट आई हैव मेड नोट्स, यू कैन टेक देम फ्रॉम मी. थैंक्स. अच्छा सुनो मेरे लेट लतीफ दोस्तों, आज याद है ना आपको, बाल संगत में एक किड्स वर्कशॉप है 10 से 12 बजे तक. अब वहाँ भी लेट मत हो जाना. भैया वर्कशॉप 12 बजे तक है ना, आराम से आएंगे. 11 बजे भी पहुँच जाए तो 1 hour इज मोर देन इनफ. और वैसे भी वहाँ मेरे कोच सर जैसे थोड़ी ना, जो लेट आने पर अंदर ही नहीं आने देंगे. और क्या? हाँ सैम, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हम संगत में लेट भी गए तो कोई हमको बाहर नहीं निकालता. बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है, जब भी जाने से हमें प्यार से ही वेलकम करते हैं. अच्छा एक बात तो बताओ, जब हमें मूवी देखने जाना हो, फ्लाइट पकड़नी हो या फिर चलो मैच खेलने जाना हो, तो क्या हम लेट जाते हैं क्या? बोलो. नहीं भैया. क्यों, जरा सोचो, क्योंकि मूवी का सीन मिस ना हो जाए या फिर फ्लाइट के पैसे ना वेस्ट हो जाए या फिर ये टेंशन है कि कोच विल नॉट अलाउ अस टू प्ले द मैच, राइट? और जब संगत की बात आती है तो मैं बहुत इजी ले लेता हूँ सब कुछ. क्यों? क्योंकि ना ही कोई बाहर निकालेगा लेट जाने पर और ना ही कोई पैसे वेस्ट होने की टेंशन. मगर क्या आपने सोचा है कभी, ये मैच के नोट्स तो हमको मिल जाएंगे मगर ये जो गुरुमत की क्लास मैं हर रोज मिस करता चले जा रहा हूँ, उसके नोट्स मैं कहाँ से लाऊंगा? हर बार संगत में नई नई चीजें सिखाई जाती है, अगर ये क्लास मिस हो गई तो नो कवर अप, समझे कुछ? तो आज आप सब टाइम से पहुंचना संगत, और मैं आप सभी से पूछूंगा कि टाइम से संगत पहुंच के पूरी संगत अटेंड करके आपको कैसा लगा. ओके तो चलो ठीक है, आज ठीक 9:30 सैम के घर के नीचे मिलते हैं. बाय.
मानव एकता दिवस संत निरंकारी मिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और उनके अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी ने मानवता की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। निरंकारी श्रद्धालु हर साल इसी दिन बाबा गुरबचन सिंह जी और अनेकों महापुरुषों के बलिदानों को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। 24 अप्रैल को देश विदेश में निरंकारी श्रद्धालु रक्तदान भी करते हैं। ज्ञात हो मिशन का पहला ब्लड डोनेशन कैंप नवंबर 1986 के वार्षिक संत समागम पर आयोजित किया गया और साथ ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संगतों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव का खून नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। 1987 से ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन 24 अप्रैल को होने लगा। 1997 में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुरोध पर ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन अप्रैल से सितंबर तक होने लगा। संत निरंकारी मिशन ने 1986 से अब तक 5,000 से भी ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया है, जिनमें निरंकारी भक्तों ने तकरीबन 10 लाख यूनिट्स का रक्तदान किया है। इस प्रकार सदगुरु की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन ने अक्सर संसार में यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वननेस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रेरणा योग मिसाल कायम की है। Thank you.
सोने से पहले हमें फैमिली के साथ सिमरन भी तो करना है। सदगुरु भी तो हमें यही सिखाते हैं ना। बाबा गुरबचन सिंह जी मसूरी में कुछ महापुरुषों के साथ रास्ते पर चल रहे थे। चलते चलते एक जगह बहुत बड़ा पत्थर रास्ते के बीचों बीच पड़ा था, जिससे आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सहज में कहा, ये पत्थर रास्ते में रुकावट बन रहा है। ये कहते हुए बाबा जी महापुरुषों के साथ आगे बढ़ गए। बाबा हरदेव सिंह जी उस वक्त साथ ही थे। बाबा हरदेव सिंह जी ने जैसे ही ये बात सुनी उधर ही रुक गए, अकेले ही उस बड़े पत्थर को हटा दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी जब थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो देखा वो पत्थर किसी ने रास्ते से हटा दिया है। पूछने पे उन्हें पता लगा कि पत्थर को बाबा हरदेव सिंह जी ने ही हटाया है। तो देखा बच्चों, कैसे बाबा हरदेव सिंह जी ने चेतन होकर अपने सद्गुरु की सहज में कही हुई बात को आदेश मानते हुए पूरा किया। उसी तरह बच्चों, हमें भी सद्गुरु की बात, माता पिता की बात चेतन होकर, उनका भाव समझकर उस पर अमल करना है। बीच में इधर उधर ध्यान ना भटकाते हुए, किसी और की बातों में ना आकर आदेश का पालन करते चले जाना है। इसी तरह हमारा जीवन सुंदर और खुशहाल बन सकता है। कर्म किए जा कर्म सभी से, इस जग में महान है। कहे हरदेव भक्ति में भी कर्म सदा प्रधान है। दीदी
सब ठीक है, बस रात को नींद ही नहीं पूरी होती। ओह, ऐसा क्यों? अरे दीदी, कुछ दिन पहले हॉरर फिल्म देखी थी तो रात को डरावने सपने आते हैं, इसलिए नींद भी नहीं पूरी होती और दिन को बहुत लेजी सा फील होता है। तो आप क्या करते हो? मैं अवतार बानी को अपने पिल्लों के पास रख लेती हूँ। देखो मानवी, जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है उसको वैसे ही यूज़ करना है। होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से फ़ायदा होगा, पिल्लो के नीचे रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवतार बानी हमें पढ़ने और समझने के लिए मिली है। सतगुरु मैनू चरनी लाया, परम पुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिद्दर वेखा नूरो नूर। अच्छा, मुझे ना आप सबसे एक चीज पूछनी है, आप सब संगत क्यों आते हो? दीदी, मम्मा पापा के साथ तो आना ही पड़ता है। अच्छा, और? और अच्छी बातें सीखने। अच्छी बातें सीखने जैसे कि? जैसे कि शूज को लाइन में लगाना और एक जगह बैठ के लंगर खाना। बिल्कुल सही। अच्छा, लंगर में हम अपने साथ वाले महापुरुष को भोग क्यों लगवाते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि उनमें भी निरंकार है। करेक्ट, इसीलिए हम जिसके भी पास हों, फैमिली फ्रेंड्स, हर किसी में निरंकार है, तो हम निरंकार को भोग लगवाते हैं। ऐसे ही मानवी जी, जब भी डर लगे तब भी निरंकार को याद कर सकते हैं। अच्छा, जब चोट लगती है तब कैसे निरंकार को याद करते हैं? सिमरन करते हुए। करेक्ट। ऐ मन सुमिरन कर, सुमिरन ही जीवन का आधार है, सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। निर्मित जी, चरणामृत भी हम इसलिए पीते हैं ताकि हम निरंकार को याद रख सकें। हाँ जी दीदी। अरे बातों बात हमें पता ही नहीं लगा, ब्रेक का टाइम खत्म भी हो गया। चलो सभी अंदर चलते हैं। Thank you.
जैसे एक पुरातन बात जो बार बार सत्संग में अक्सर दोहराते हैं सब, कि जब कबीरदास जी को किसी ने यही बात की थी कि सत्संग जाना क्यों ज़रूरी है, तो वो एक कील को दीवार पे हथौड़े से मारते रहते थे, तो उससे उनके पास जो जिज्ञासा लेके गया था वो ये बात नहीं समझ पाया, और अंत में उनको साफ शब्दों में बताना पड़ा कि कैसे ये कील अगर दीवार पे एक हैमर बारीक बार करो तो बिल्कुल वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं दीवार पे लग सकती, उसको अगर पक्का करना है, अगर उसके ऊपर कोई मजबूती भरी कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई सीनरी या कुछ भी जो वेट बैर कर ले वो कील, उसको सच्चे तरह अगर स्ट्रेंथ देनी है तो उसको बार बार हैमर को उसके हेड पे मारना पड़ता है ताकि वो दीवार में अच्छी तरह गड़ जाए। उसी तरह जो सत्संग की महत्वता है वो यही है कि हम अपने जीवन में जो ये ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान परमात्मा निरंकार गॉड अल्लाह वाहेगुरु जो भी नाम से हम बुलाएं, उसको अगर अपने पल पल में हमको विश्वास रखना है अस्तित्व में और हमें डीपली इनग्रोस्ड होना है, तो पल पल सिमरन करें और उस तरह करें कि कोई चाहे निर्धारित समय ना लेते हुए पल पल, जैसे हम अगर सांस ले रहे हैं तो हर सांस हम चाहे किसी से बात करते हुए भी ले रहे हैं, खाना खाते हुए भी ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सांस हमारी चलती ही जा रही है। उसी तरह ये जो निरंकार से हमारी कनेक्शन है ये सेवा सिमरन सत्संग रूप में ही होती है। रहमते। सुनाना ठीक नहीं।